दिस इज मार्शिका एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आई होप आप सभी लोग अपनी लाइफ में खुश हो गए, मस्त हो गए और बहुत 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 धमाकेदार एंजॉयमेंट कर रहे हो गए। नहीं भी कर रहे हो तो लाइफ को एंजॉय करो, जो है उसमें खुश रहो, जो नहीं है उसको पाने की कोशिश जारी रखनी है। सो इसी पॉजिटिव और प्यारे से नोट पर स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। देखो यार, मैं लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था कि मैं रिंग लाइट भी लेके आई थी, मैं ट्राइपॉड भी लेके आई थी, अभी मैं उसी को यूज़ करके ये वाला वीडियो शूट करने की कोशिश भी कर रही थी, बट पता नहीं क्या या आज तो मतलब बहुत ही बहुत गड़बड़ हो रही है, कभी वो सेट नहीं हो पाई या कुछ भी, जबकि ऑल दो सुबह सिड की हेल्प से हमने पूरा सेटअप अच्छे से ऑर्गेनाइज किया था, बट पता नहीं कभी भी कुछ भी हो जाता है। तो वो जो बेसिकली अभी मैंने कोशिश करी तो वो कोशिश हो गई नाकाम, बट मुझे तो आप लोगों से मिलना था ना, तो मैंने सोचा फिर से पुराने अंदाज में हाथ में कैमरा पकड़ शूट करते हैं। तो गाइज, आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा अलग होने वाला है। लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि स्किन केयर के रिगार्डिंग भी मैं आपको टिप्स देने वाली थी व्लॉग के बीच बीच में, तो सोचा कि आज क्यों ना मैं एक पूरा वीडियो ही इस चीज के ऊपर या इस स्किन केयर के एक पर्टिकुलर पोर्शन के रिगार्डिंग आप लोगों के लिए लेकर आई हूं। तो अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन को क्लिक कर देना, ताकि आगे आने वाले व्लॉग्स और वीडियोज की नोटिफिकेशन तुम्हें मिलती रहे। एंड न्यूज़ रिपोर्टर की तरह साउंड होता है ना ये, बट कोई बात नहीं यार, बोलना तुम्हें याद दिलाना ज़रूरी रहता है। कई बार वीडियो देखने में लोग इतना बिजी हो जाते हैं, कई बार अपनी लाइफ के हबड़ा तबड़ी के टाइम पर लोग ये वीडियो देख रहे होते हैं तो भूल ही जाते हैं कि हम जिसको देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब ही कर लेते हैं, सामने वाले को भी थोड़ा बहुत अप्रिशिएट कर लेते हैं, ताकि उसको भी मोटिवेशन, उस बेचारी बच्ची का मोटिवेशन बना रहे। तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, वीडियो पसंद आए तो लास्ट में लाइक शेयर भी कर देना, कमेंट भी कर देना। तो गाइज, ये जो आज का वीडियो है ये हमारे स्किन केयर रूटीन के रिगार्डिंग होने वाला है। आप सभी ने सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं बता देती हूँ कि अपनी स्किन को हेल्दी बनाए रखने के लिए प्लस खूबसूरत बनाए रखने के लिए मॉइस्चराइज करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग कहीं पे भी बाहर जाते हैं, दिन भर की धूल मिट्टी होती है, साथ ही साथ हम लोग जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो ज़्यादातर लोग मेकअप यूज़ करते ही करते हैं, तो वो जो मेकअप प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर भी सर्टेन केमिकल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो ऐसा माना जाता है और ऐसा होता भी है कि हमें कोई भी मेकअप अप्लाई करने से पहले ये एडवाइस दी जाती है कि भाई एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर अपनी स्किन टाइप को सूट करता हुआ ज़रूर यूज़ करना चाहिए। वो मॉइस्चराइजर प्राइमर की तरह भी वर्क करता है, साथ ही साथ हमारी स्किन को हील करता है। अगर कोई डेड सेल्स हैं, ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है, एक्ने की प्रॉब्लम है, तो मॉइस्चराइजर उन सभी चीज़ों के लिए बहुत बहुत बड़ा रामबाण साबित हो सकता है। तो अभी मुझे कुछ दिन पहले एक बड़ा ही प्यारा मॉइस्चराइजर मिला, सोचा कि आपके साथ वो मॉइस्चराइजर शेयर करते हैं, क्योंकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके परेशान रहते हैं, अरे यार मेरी स्किन तो ऑयली है, अरे यार मेरी स्किन तो ड्राई है, अरे यार ये, अरे यार वो, तो मतलब लाइक अपने स्किन टाइप को लेके लोगों में बहुत ही बहुत अजीबोगरीब तरीके की धारणाएं बनी हुई होती हैं। तो ज़्यादातर लोग ऐसा सीख करते हैं कि कोई ऐसा मॉइस्चराइजर मिल जाए जो ऑल स्किन टाइप के लिए हो। तो आज जो प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो भी ऑल स्किन टाइप के लिए है, बिना सोचे समझे अप्लाई कर देना, बिकॉज लिटरली मैंने इसके रिजल्ट्स देखे हैं, 2 to 3 times मैंने इसको यूज़ किया है अभी तक, एंड लिटरली इस पर कोई भी, अगर आप मेरी बात मानो तो अगर इस मॉइस्चराइजर के ऊपर आप कोई भी एक्स्ट्रा फाउंडेशन वगैरह यूज़ नहीं करते हो तो भी चलेगा। ये इतना ज़्यादा आपकी स्किन को ग्लो करवाता है, इतना ज़्यादा आपके डेड सेल्स को एक लाइफ वापस से देता है कि आपकी स्किन अपने आप ही हेल्थी एंड रिफ्रेश लगने लगती है। तो देर ना करते हुए चलो मैं आपसे शेयर करती हूँ कि वो कौन सा मॉइस्चराइज़र है, आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे वो अवेलेबल भी हो जाएगा, और उसके अंदर बहुत प्यारे इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे मतलब लाइक वो सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे आपकी जो स्किन है उसको कोई हार्म भी नहीं पहुंचने वाला है और आपकी स्किन चकाचक हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, हेयर इज द मॉइस्चराइजर जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड कलर बार। ये कलर बार का मॉइस्चराइजर है और बॉडी लोशन एंड मॉइस्चराइजर दोनों का काम ये करता है। इसके अंदर शिया बटर और विटामिन ए का कॉम्बिनेशन है जो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना देगा एंड उसको एक बहुत ही प्यारा सा ग्लो देगा। एंड बटर, तो जो शिया बटर है आप सब जानते हैं या आप गूगल भी कर सकते हैं कि वो स्किन के लिए कितना ज़्यादा अच्छा होता है, और विटामिन ए तो अपने विटामिन ई तो अपने आप में हमारी स्किन को बहुत ही ज़्यादा रेडियंस प्रोवाइड करता है। तो गाइज, ये जो कलर बार का नेरोली नाइट्स का मॉइस्चराइजर है आप देख सकते हो कितनी सुंदर पैकेजिंग में आता है, और साथ ही साथ काफ़ी अच्छा लाइक वॉल्यूम में ये एग्जिस्ट करता है, बहुत
अच्छे से आप इसको यूज़ कर सकते हो काफ़ी लंबे टाइम तक, बिकॉज 250 ml की ये बॉटल है एंड ये ऑल डे मॉइस्चराइजर है फॉर ऑल स्किन टाइप्स। इस पे मेंशन है नीचे, आप जब लोगे तो आप पढ़ सकते हो या आप नेट पे भी देख सकते हो इसकी क्लियर इमेज में कि ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है। तो आपको जैसा मैंने बताया कि ये सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आपका स्किन टाइप कौन सा है, बिकॉज ज़्यादातर लोग इसी रिसर्च में लगे रह जाते हैं कि स्किन टाइप कौन सा है, कौन सा सूट करेगा। 10 लोग 10 तरीके की बातें बोलते हैं, बट आपको यूज़ करके फिर आपको ट्रस्ट करना चाहिए। जैसे मैंने यूज़ किया, आप कई बार क्या सोशल मीडिया किस लिए हेल्प करता है, यूट्यूब वीडियोज़ के थ्रू आप ये देख सकते हो कि आपके इन्फ्लुएंसर्स जो हैं या आपके फेवरेट जो भी मतलब लाइक कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो आपको पहले से ही एक्सपीरियंस के ऊपर ये चीज़ें बताते हैं। ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, तो मैंने ये खुद से यूज़ किया, मुझे ये मिला तभी मैंने आपसे शेयर किया एंड ये बहुत ही अमेजिंग तरीके का काम करता है। इसके अंदर इसका नाम है नेरोली नाइट्स बॉडी लोशन एंड मॉइस्चराइजर, और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें आपका शिया और कोको बटर्स का फॉर्मूला मिक्स्ड है। साथ ही में आपको ऑरेंज पील का एक्सट्रैक्ट भी इसके अंदर मिलेगा। सारी ही ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी स्किन के लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। और सबसे प्यारा है कि लाइक इसकी पैकेजिंग मुझे बड़ी प्यारी लगी है, देखो किस तरीके का नेचुरल सा पैकेजिंग है इसका, और बहुत ही बहुत बहुत प्यारा है। बहुत 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 बार बोल दिया ना मैंने, क्योंकि मुझे एक्चुअली में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये, तो इसको ट्राई करके देखना। और इसका MRP इज़ 345 रुपीज़, बट ऑब्वियसली जितने भी ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ब्रांड्स वो साइट्स होते हैं उस पर कहीं ना कहीं डिस्काउंट चलता रहता है, तो आप नायका पे भी देख सकते हो, अमेजोन पे देख सकते हो, जहाँ पर भी आपको ये अवेलेबल हो जाए आप चेक कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जहाँ पे सबसे सस्ता मिल रहा हो, डिस्काउंट ज़्यादा से ज़्यादा हो, वहाँ से लो और यूज़ करो। अभी देखते हैं कि इसको कैसे अप्लाई करना है। तो इसको सही तरीके का अप्लाई करने का तरीका आपको ट्राई ऑन में दिख रहा होगा, जहाँ पे साइड में वीडियो चल रहा है आप देख सकते हो। देखो जस्ट आपको इसका 2 से 3 ड्रॉप लेना है अपने हाथ पर, थोड़ा सा ही लेना है, बिकॉज बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इसे लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा लोगे जितना मैंने दिखाया है वीडियो में उतना भी बहुत अमेजिंग वर्क करेगा। उसको लेकर आपको अपने चीक्स पर, फोरहेड पर, नोज पर, चिन पर, नेक पर, जितना एरिया में आपको चाहिए मॉइस्चर आपको लेके आना है उतने एरिया पे अप्लाई करो। अप्लाई करने के बाद इसका सबसे सही तरीका है आपको इसको सर्क्युलर मोशन में अपने फेस पर मसाज करना है, सर्क्युलर मोशन में अपवर्ड डायरेक्शन में आपको अपने चीक्स को प्यार से सहलाते हुए इसको अप्लाई करना है, ताकि एक अच्छा तरीके का फीलिंग भी आपको मिले और मसाज भी सही तरीके से हो पाए। ये हमारे जो लाइक जो पोर्स होते हैं उस पर भी हेल्प करता है, और हमारे स्किन को भी एंटी मतलब लाइक आप इसको एंटी एजिंग की तरह भी यूज़ कर सकते हो। एजिंग का जो इफेक्ट हमारी स्किन पर आता है उसको भी रिड्यूस करता है। तो तभी मैंने एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि बहुत से लोग मॉइस्चराइजर्स को सिर्फ फेस पर और नेक एरिया पर अप्लाई करने के बाद रुक जाते हैं, बट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम मॉइस्चराइजर को अपने हैंड्स पर, अपनी एल्बोज पर भी अप्लाई करें, बिकॉज हमारी जो एल्बोज हैं, कई लोगों की एल्बो ब्लैक हो जाती है, ड्राई हो जाती है, उसका रीज़न यही है लैक ऑफ मॉइस्चराइजर। तो वो ड्राई हो जाती है, डेड हो जाती है वो स्किन, तो आपको एल्बोज पर भी इस मॉइस्चराइजर को अप्लाई करना है, हैंड्स पर अप्लाई करना है, चाहो तो आप लेग्स पर भी अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज ये बॉडी लोशन भी है। सिर्फ मॉइस्चराइजर्स आप फेस पर यूज़ कर सकते हो, बट बॉडी लोशंस आप पूरी बॉडी के लिए यूज़ कर सकते हो। तो हमारी बॉडी के जो मेन पार्ट्स हैं लाइक जैसे हमारे हैंड्स हो गए जो बहुत ज़्यादा टाइम विजिबल रहते हैं, हमारा फेस, हमारा नेक, तो हमारी एल्बोस, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर अप्लाई करो और अच्छे से मसाज करो। उसके बाद आप देखना कि थोड़े ही दिन में आपको अपनी स्किन के अंदर कितना चेंज नज़र आता है। सो गाइज, दिस मॉइस्चराइजर इज़ यूनिसेक्स, दोनों यूज़ कर सकते हैं, मेन भी वेमेन भी, बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे आपको अवेलेबल हो जाएगा, बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। थोड़ा महंगा भी अगर लग रहा हो तो वर्थ इट है, ज़रूर ट्राई करना। अपनी स्किन को मॉइस्चराइजर से बिल्कुल दूर नहीं रखना है, मॉइस्चराइजर करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी स्किन जो है वो आगे के इस गंदे गंदे पॉल्यूशन को, मेकअप का जो प्रकोप पड़ता है हमारे चेहरे पर, उन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करके रह सकती है। ठीक है, तो होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, बेल बटन को क्लिक कर देना। मिलते हैं बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय गाइज।